Joe, let's read the question. Question says that during high light intensity, the chloroplasts align themselves. Options are in vertical position, along lateral walls, along tangential walls, in center and get scattered, and perpendicular light. So, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है, हाई लाइट इंटेंसिटी अगर क्लोरोप्लास्ट पे आ रही है, क्लोरोप्लास्ट पे, राइट, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे अलाइन करेंगे, राइट? तो वैसे देखे तो लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? जितनी ज्यादा लाइट उतना जो फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो ज्यादा रहेगा, राइट? बट अगर हम ऐसा सोचे कि अगर ज्यादा लाइट आ रही है, राइट, तो क्या होगा? तो फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, राइट? फोटो ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? कि जो डैमेज होगा क्लोरोप्लास्ट में वो होगा बिकॉज ऑफ द लाइट. अगर वेरी हाई लाइट आ रही है तो जो सनलाइट से, ये सनलाइट है, अगर क्लोरोप्लास्ट ऐसे है, राइट, तो अगर ज्यादा सनलाइट आएगी तो वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे. कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, राइट? तो उससे क्या होगा कि जो फोटो ऑक्सीडेशन से वो बच जाएंगी, राइट? क्योंकि फोटो ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा, राइट, हाई इंटेंसिटी से. तो यहाँ पे वेरी हाई अगर होगा तो परपेंडिकुलर आएगा, राइट? अगर नॉर्मल मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी रहेगी तो टेंजेंशियल वॉल्स में वो अपने आप को अलाइन कर देंगे. बट यहाँ पे हमें पूछा है कि हाई लाइट इंटेंसिटी, राइट, तो हाई लाइट इंटेंसिटी में वो कैसे अलाइन करेंगे, वर्टिकल पोजीशन में, राइट? कैसे अलाइन करेंगे, वर्टिकल पोजीशन अलोंग द लेटरल वॉल, अलोंग लेटरल वॉल, राइट? यानी कि ये अगर मेसोफिल है, राइट, तो अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे, वर्टिकल पोजीशन अलोंग विद द लेटरल वॉल. तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए. होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.